आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13। एक्सरसाइज ली है 13.2 और क्वेश्चन नंबर लिया है 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा कैसे कैसे सॉल्व करना है और अच्छे नंबर लाने हैं तो आप लोगों को स्टेप स्टेप आने चाहिए किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए 2 की पावर यहाँ पर 3 दिया गया इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 दिया गया है। तो यहाँ पर जो 4 नंबर है इसको भी पावर्स के रूप में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, आपने पढ़ा होगा। तो इसको हम पावर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 32 को भी पावर्स के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 32 को हम जब पावर्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो 2 की पावर 5 बनेगा, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, देखो 2 की पावर 5 कैसे बनेगा, तो इसको अगर सीखना है तो 32 को 2 से इस तरीके से डिवाइड कर देना है। 2 1 जा 2, 2 6 जा और 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। तो 2 2 2 2 कितनी बार आया है देख सकते हैं, 5 टाइम आया है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो चलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसको फिर से एक स्टेप में आगे सॉल्व करना है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 बन जाएगा, और नीचे भी लिखेंगे हम 3 इंटू 2 की पावर 5, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे और ये नंबर, ठीक है, दोनों इनके बेस क्या हैं, सेम है बेस। जब बेस सेम होता है तो मैंने क्या बताया था, उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो एक बार लिख देंगे 2 और ये पावर को जोड़ देंगे, तो 3 प्लस हो जाएगा 2। अब जो बचा था वो लिख देंगे 3 इंटू 3 की पावर 4 लिख देंगे, ये लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों को इसी तरीके से लिखा रहने देंगे, उसके बाद आप उनको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है 2 की पावर 5। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे 2 की पावर 5। स्टेप स्टेप बता रहे हैं, ठीक है, जैसे लिखना है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं आपके सिलेबस यानी सीबीएसई बोर्ड की जो किताबें हैं उसको हम बता रहे हैं कि अच्छे नंबर कैसे गेन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। अब जो था नीचे उसको लिख देंगे इस तरीके से 2 की पावर 5, क्योंकि स्टेप स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो ये दोनों बेस क्या हैं, सेम हैं, और इधर का बेस इधर सेम है। तो एक बार हम पहले लिख देते हैं 2, और ये जो 2 की पावर 5 है इधर 2 की पावर 5 है, तो नीचे की जो संख्या है ये इसको डिवाइड कर रही है, तो यानी कि यहाँ माइनस हो जाएगी पावर। तो ऐसे लिखना है 5 माइनस 5, तो -5 कहाँ से आए, नीचे वाला पर गया है रूल, ठीक है। और इंटू लगा देंगे और 2 की पावर है 4 यहाँ पर कितना है 3, तो 3 की पावर कितना है 4। अब नीचे वाला जो 3 है उसके ऊपर कोई नंबर नहीं होता, यानी कि 1 पावर होती है, तो 1 पावर ऊपर से माइनस हो जाएगी जिस तरीके से यहाँ पर, तो -1 हो जाएगी। तो कंप्लीट सॉल्यूशन कितना मिलेगा, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 0 या कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 है तो उसके स्थान पे 1 रखते हैं, ये इसका रूल होता है। 1 की पावर अगर 0 है तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 1, ठीक है। तो ये यहाँ पर रखना है, तो इस तरीके से लिखना है 1 इंटू 3 की पावर 3, तो फाइनल आंसर बनेगा 1। जब भैया मल्टीप्लाई करोगे 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर बन गया कितना, 3 की पावर 3, ठीक है। इस तरीके से फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये रहा इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जितने भी इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं सभी जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो बारी बारी से सॉल्व करेंगे और आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 की पावर कितना 4 है, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके बाहर यहाँ पर दिया है 5 की पावर 7 दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इनकी पावर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर आगे लिख लेते हैं, तो बड़ा ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 5 की पावर 6 हो गया, इंटू कर देंगे 5 की पावर 4 कर देंगे, ठीक है। और फिर आगे लिख देंगे जो भी था, सॉरी डिवाइड यहाँ पर है, तो हम डिवाइड लगा के 5 की पावर यहाँ पर 7 लिख देंगे, कुछ इस तरीके से बना। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, बेस बेस सेम है, पावर पावर को ऐड कर दिया जाएगा, यानी 5 की पावर कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा 4, और बाहर कितना था डिवाइड, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब इसे सॉल्व करें तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, डिवाइड का साइन लगा दिया 5 की पावर 7। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो भैया बेस बेस सेम हो गया, डिवाइड है तो पावर पावर माइनस हो जाएगी, तो 10 माइनस 7, तो फाइनल आंसर बनेगा 5 की पावर 3 बनेगा।
ये इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर टू का। तो क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट जो दिया गया ये इस तरीके से सॉल्व होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है, अच्छे से नोट करिएगा जैसे जैसे लिखा है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है 25 की पावर है 4, ठीक है, डिवाइड किया गया है 5 की पावर 3 से, इसको कैसे सॉल्व करना। सबसे पहले हमने क्या बताया, कोई भी नंबर होता है अगर उस वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ 25 है, तो 25 को ऐसे भी लिख सकते हैं 25 को 5 स्क्वायर के रूप में, 5 5 जा 25, वही आंसर आया। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर बनेगा 5 की पावर कितना हो जाएगा 2 और उसकी सब पावर यहाँ पर 4, इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिया हमने। अब जो रूल हमने बताया था उसकी पावर इतनी दी हो, उसकी भी पावर दी गई हो तो उसकी पावर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। भैया चलो मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो 5 की पावर हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 4 डिवाइड 5 की पावर हो जाएगा 3, तो 4 2 जा कितना हो गया 8, 5 की पावर हो जाएगा 8 डिवाइड 5 की पावर 3। अब बेस सेम है, पावर्स को माइनस कर दीजिए तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 8 माइनस 3, तो फाइनल आंसर बनेगा 5 की पावर 5, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा और सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4। ये क्वेश्चन नंबर था आपका थर्ड था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस प्रकार से है, 3 × 7 की पावर 2 × 11 की पावर 8 / 21 × 11 की पावर 3, ठीक है। तो इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है, जो भी नंबर्स हो उसको सिंपल जो है प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले एक बार, तो 3 × 7 की पावर 2 × 11 की पावर कितना हो जाएगा 8 / अब 21 है, तो अगर 21 को यहाँ पर सॉल्व करें तो 3 से लगेगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, तो कितना बनेगा, तो 21 को इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 7 के रूप में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 × 7 × 11 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या मिल रहा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, इसके ऊपर कुछ नहीं तो पावर 1 होती है, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो इसके ऊपर भी पावर 1 मानेंगे हम, ठीक, तो इस तरीके से लिख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब देख सकते हैं 3 ऊपर दिया गया 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 नीचे, तो भैया ऊपर वाले को ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो बेस सेम है तो बेस एक बार लिख देंगे, तो 1 ऊपर का प्लस में है, दूसरा वाला नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, इस तरीके से हो गया। फिर इंटू 7 को लिखेंगे, 7 की पावर कितनी थी 2 और नीचे वाला 1 जाएगा माइनस हो जाएगा, इस तरीके से इंटू 11 की पावर कितनी हो गई 8, ठीक है, नीचे की पावर उसमें से माइनस हो जाएगी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व कर देना है, 3 की पावर भैया प्लस में 1 है इधर माइनस में 1 है, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 0 × 7 की पावर 1 हो जाएगा इंटू 11 की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ 3 की पावर 0 है तो मैंने बताया था अगर पावर किसी की 0 उसके स्थान पे 1 रखा जाता है, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 7 × 11 की पावर 5, कुछ इस तरीके से इसका फाइनल आंसर बनेगा। और 7 1 जा 7 पढ़ लेंगे तो फाइनल आंसर बनेगा 7 × 11 की पावर 5, ये इसका फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनल आंसर हमारा आ चुका है 7 × 11 की पावर 5, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 4 सॉल्व। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी पार्ट्स हैं सभी को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं आप अच्छे से ध्यानपूर्वक नोट कर सकते हैं और अपनी जो नोटबुक है क्लास वर्क वाली उसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 की पावर यहाँ पर 7 दिया गया है और 3 की पावर यहाँ पर 4 × 3 की पावर 3, तो ये रहा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ पर पहले नंबर पर बेस नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऊपर नीचे को सॉल्व करते हैं, तो 3 की पावर हम 7 ही लिख देंगे और बेस सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, तो 3 की पावर 4 + 3 हो जाएगा, तो आगे बन जाएगा 3 की पावर 7 / 3 की पावर 7, तो 3 की पावर 7 / 3 की पावर 7 है, तो ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे 7 - 7, ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर कितना बनेगा 0,
थ्री की पावर जीरो, क्योंकि प्लस में सेवन था माइनस में सेवन था, भैया प्लस माइनस माइनस हो गया, तो थ्री की पावर जीरो और इसका फाइनल आंसर बनेगा वन। यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, ए की पावर लॉ लग रहा है, ए की पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो यानी ये वाला रूल लग रहा है, ठीक है। तो फाइनल आंसर इसका कितना बनेगा, वन बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं सिक्स, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है टू की पावर जीरो प्लस थ्री की पावर जीरो प्लस फोर की पावर जीरो। हमने क्या कहा था, इस कोई भी नंबर हो उसके ऊपर जीरो है तो उसका आंसर वन ही होता है, बस वन वन रख दीजिए, टू की पावर जीरो है तो वन रख दीजिए, थ्री की पावर जीरो है, नंबर चाहे जितना बड़ा हो उसकी पावर अगर जीरो लग गई तो उसका आंसर वन ही हो जाएगा, मान कितना होगा वन होगा, तो फोर की पावर भी वन हो जाएगी, इस तरीके से फोर की पावर जीरो है तो यहाँ पर वन हो जाएगा, ठीक है। तो सभी को ऐड करेंगे यहाँ पर कितना बनेगा, वन 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 तो थ्री, तो फाइनल आंसर कितना आया, थ्री आया, देख सकते हैं ना कितना जो है इजी है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन लेते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेवन को सॉल्व करना है, टू की पावर जीरो इंटू थ्री की पावर जीरो इंटू फोर की पावर जीरो। अब इसके स्थान पे कितना रखेंगे, देखिए वन टू की पावर जीरो वन, इसके भी वन रखेंगे, इसकी भी वन रखेंगे, भैया वन वन को मल्टीप्लाई करेंगे वन मिलेगा, वन वन जा वन, वन वन जा वन, तो फाइनल आंसर कितना है वन। ब्रैकेट में यहाँ पर लिखना चाहें ए की पावर जीरो इज इक्वल टू वन लिख दीजिएगा, ये लॉ है इसका, ठीक है, तो इसको भी नोट कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं एट, क्वेश्चन नंबर एट को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर एट, थ्री की पावर जीरो है प्लस टू की पावर जीरो है इंटू फाइव की पावर जीरो है, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन वन वन रख देना है, थ्री की पावर जीरो वन रख देंगे प्लस थ्री और टू की पावर जीरो है वन रख दीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, इंटू इसके स्थान पर वन रख दीजिए, इन सभी को ऐड करेंगे, वन वन कितना हो गया टू हो गया, बाहर कितना था इंटू में वन था तो कितना हो गया टू वन जा टू, देख सकते हैं कितना ईजी क्वेश्चन था, इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर नाइन कुछ इस तरीके से, टू की पावर एट इंटू ए की पावर फाइव अपॉन फोर की पावर थ्री इंटू ए की पावर थ्री। अब यहाँ पर देखना यह है कि टू है, टू की पावर भी हम बना सकते हैं, तो इसे हम पहले सिंपल करेंगे, इस तरीके से टू की पावर एट को लिखेंगे जैसा लिखा हुआ है इसी तरीके से, और नीचे वाले को लिख सकते हैं टू की पावर टू, और जो इसकी पावर दी गई थी उसको बाहर लिख देंगे, इन टू कर देंगे ए की पावर थ्री, ठीक है। तो फोर को मैंने कन्वर्ट किया है, जो फोर था, ठीक है, फोर को हमने कन्वर्ट किया है इस फॉर्म में, ठीक है, और उसकी पावर भी ऑलरेडी दी थी तो बाहर मैंने रख दी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टू की पावर एट ऐसे लिखना है आप लोगों को, ए की पावर यहाँ पर फाइव को लिखना है, और पावर पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री टू जस्ट सिक्स हो जाएगा, इंटू ए की पावर कितना हो गया थ्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर भी बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस सेम है, ठीक है, तो बेस को एक बार लिखना है, ऊपर वाली पावर और नीचे वाली पावर को माइनस कर देना है क्योंकि डिवाइड कर रही है नीचे वाली संख्या, ठीक है, इंटू ए की पावर यहाँ पर फाइव हो जाएगा और नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे इस तरीके से, तो फाइनल आंसर बनेगा टू की पावर टू इंटू ए की पावर टू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पावर पावर सेम है, बेस बेस डिफरेंट है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर जाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा टू इंटू हो जाएगा ए, और पावर पावर सेम है तो वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा यही बना, टू इंटू ए, ठीक है, तो टू इंटू ए, ओके, इसकी सब पावर कितनी हो जाएगी टू हो जाएगी, तो इसका फाइनल आंसर। अब लिखना चाहें इसको दूसरे तरीके से थोड़ा सा, तो टू ए की पावर टू लिख सकते हैं, बात वही है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, चाहे इसे लिख दो चाहे ये लिख दीजिए, दोनों आंसर आपके सही हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन को हम सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर टेन हमारा कुछ इस तरीके से दिया गया है, ए की पावर फाइव है अपॉन ए की पावर कितना है थ्री, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज था, और इनटू ए की पावर एट दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट दिया गया है तो हम पहले नंबर पर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है, बेस बेस सेम है, तो नीचे की पावर ऊपर से माइनस हो जाएगी, तो 5 माइनस 3 इंटू ए की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से लिखना है, उसके बाद माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो कितना बन गया यहाँ पर 2 बचा, भाई 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा, इंटू ए की पावर कितना हो गया 8 हो गया, तो फाइनल। अब बेस बेस सेम है, पावर पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई का केस है, तो भैया पावर को ऐड कर देंगे 2 प्लस 8, फाइनल इसका आंसर बनेगा ए की पावर 10, तो ए की पावर इसकी 10 जो है फाइनल आंसर बना है, इस तरीके से सॉल्व करना, तो स्टेप स्टेप आप लोगों को हमने सिखाया इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं,
तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 कुछ हमारा इस तरीके से दिया गया, 4 की पावर है 5 इंटू ए की पावर है 8, बी की पावर है 3, ठीक है। अब 4 की पावर है 5 इंटू ए की पावर है 5, बी की पावर दिया गया है 2 दिया गया। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर ज़्यादा हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, जैसे बेस बेस सेम दिया गया है, यहाँ पर भी बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस सेम है, तो कुछ नहीं, सीधा सा स्टेप है। एक बार हम 4 को लेंगे, पहली वाली पावर दी गई है यहाँ पर, नीचे वाली पावर उसमें से माइनस कर देते हैं, तो माइनस का 5 लिखेंगे, इंटू ए दिया गया था, ए लिख देंगे, ए की पावर कितनी थी 8, दूसरा वाला ए नीचे दिया गया, इसकी पावर कितनी 5, नीचे वाली पावर को ऊपर वाले से माइनस कर देंगे तो 5 बचेगा, इंटू था बी की पावर कितना है 3 और नीचे वाली पावर कितनी है 2, तो माइनस कर देंगे 2, ठीक है, ये स्टेप इसका बनेगा। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे तो 4 की पावर कितना है 0 या ए की पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू बी की पावर कितना हो जाएगा 1, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। उसके बाद क्या करना है, इसके स्थान पर 1 रख देना है और ए की पावर हो गया 3 इंटू बी की पावर कितना हो गया 1, ठीक है। इन सभी को सॉल्व करेंगे तो बन जा पड़ेंगे, तो कितना आंसर मिल जाएगा, फाइनल आंसर बनेगा ए की पावर 3 और बी की पावर 1, तो ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है कुछ इस तरीके से, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, ए की पावर 3 बी की पावर 1 है, ठीक है, बी की पावर कितना हो गया 1। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कुछ इस तरीके से दिया गया, 2 की पावर है 3 इंटू 2 दिया गया है और इसकी पावर सब दी गई है 2 दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इसके ऊपर कुछ नहीं, तो यानी कि पावर 1 है, ठीक है। तो बेस सेम होने पर पावर को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा रूल लॉ था, ठीक है। तो ए की पावर एम प्लस एन, ये लॉ लगे जाएगा इसमें, तो बेस बेस सेम है, तो बेस बेस सेम है, मैंने लिख दिया, तो 3 प्लस 1 हो गया, उसकी सब पावर कितनी थी 2, ठीक है, तो कितना हो गया 2 की पावर हो गया 4 और इसकी सब पावर कितनी हो गई 2, ठीक है। तो यहाँ पर एक और लॉ लग जाएगा भैया, ये वाला लॉ लग जाएगा, ए की पावर एम इंटू एन हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर आपस में, तो 2 की पावर 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर बनेगा 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से कंप्लीट जितने भी इनके पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।